सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सुमित वर्मा, आज का ब्लॉग बेसिक मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी मैं देख सकते हैं चारों साइड का मेरा लुक। मैं अभी मणिपुर इम्फाल में हूँ। तो यहाँ मैं आया था एक्चुअली किसी काम से, बट वो काम तो हो गया, बट मैं जिसके लिए मैं उस टाइम पे रह नहीं पाऊँगा। एक्चुअली मेरा क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गया, तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो आज मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाला हूँ, तो इसी का ब्लॉग होगा कि कैसे फ़्लाइट से ट्रैवल कर सकते हम लोग। और हम फिर कोलकाता जा रहे हैं, इम्फाल से कोलकाता। तो इतना दूर कहीं ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा वीडियो होगा 8 से 10 मिनट का, जिसमें आपको फ़्लाइट का टाइम लैप्स वगैरह वगैरह औसम व्यूज़ देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल में तो यहाँ पे आप मेरे चारों साइड देख सकते हो कितना व्यूज़ है। इधर ऊपर पहाड़ पे एक मंदिर है, वहीं सभी लोग अभी जा रहे हैं। एक्चुअली 2 अप्रैल को यहाँ मेला लगा था और कल 14 अप्रैल है, तो कल भी यहाँ लगने वाला है। तो लोग आज से ही मतलब पूजा करने के लिए जा रहे हैं। बहुत लोग यहाँ का रिचुअल्स मतलब बहुत लोग मानते हैं, रिचुअल्स वगैरह जो भी है पूजा कर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। और इधर देख सकते हो मेरे पीछे ये जो गोल सा दिख रहा है, आपको जूम नहीं होगा, ये जो यहाँ पे गोल सा एक दिख रहा है वो यहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो घर के बगल में ही है, बट इतना कुछ नहीं। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, मैं बैक कैमरा दिखाऊंगा टॉप फ्लोर का व्यू। और ये इधर दिखेगा आपको ये गोल सा, ये जो गोल सा दिख रहा है ये है लेजिस्लेटिव असेंबली। और इधर पहाड़ पे मंदिर है, वहाँ देखिए वो जो रेड कलर का दिख रहा है वो थोड़ा वही मंदिर है शायद शंकर जी का। मैं पूरा ऊपर तक नहीं गया हूँ, थोड़ा ऊपर तक गया हूँ जहाँ पे कि मतलब ये था मणिपुर का जो भी मतलब लोग जो एंशिएंट ब्रिटिश टाइम में जो फाइट फ्रीडम फाइटर थे उनका स्टैचू वगैरह लगा हुआ, मैं वहीं तक गया था। मैं पूरा ऊपर बस अभी अराउंड 2:30 का फ्लाइट था, तो 2:50 डिले हो गया है। तो अभी अराउंड 12:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी जाऊंगा, खाना बना लिया हूं, खाना नीचे खाऊंगा। अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूं और फोर्थ फ्लोर पर आया हूं, तो अभी नीचे जाके खाना खाएंगे, फिर रेडी होकर फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अब एयरपोर्ट पे, तब तक के लिए हे गाइस वेलकम बैक। अब मैं एयरपोर्ट आ गया हूं, अब बस अभी लगेज ड्रॉप करूंगा, जस्ट रीच हुआ हूं, लगेज ड्रॉप करूंगा। लगेज ड्रॉप करने के बाद फिर वेट करना होगा। 3 PM में फ़्लाइट हो गया है, मेरा टाइमिंग बढ़ गया है। तो चलिए अब फिर मिलते हैं अब फ्लाइट में, तब तक के लिए बाय। सो हे गाइस वेलकम बैक। अब मैं सारा कुछ हो गया मेरा, एयरपोर्ट में आ गया हूँ, सिक्योरिटी कर लिया, बैग लगेज चेक इन कर लिया, सब कुछ दे दिया सब जगह। अब मैं बताता हूँ डिटेल में कि करना क्या क्या होता है। पहले जैसे ही आप इंट्रेंस में आओगे तो आपका जो भी टिकट होगा या बोर्डिंग पास होगा वो चेक किया जाएगा। वहाँ पे टिकट चेक करेंगे, CRPF के ऑफिसर्स होते हैं। फिर अंदर आइएगा तो आपको लगेज स्कैन करना होता है। लगेज स्कैन करने के बाद आप लगेज लेके जो भी आपका फ़्लाइट है जिस भी कंपनी का है आपको उसमें आना होगा, उसके कैबिन के पास आना होगा और अपना लगेज वेट करवा के फिर आपको वहाँ पे ड्रॉप करना होगा। और लगेज ड्रॉप करने के बाद फिर आपको सिक्योरिटी में आना होता है। और सिक्योरिटी में आइएगा तो आपका जो भी लैपटॉप फ़ोन वगैरह हो वो बैग में आपको डालना होता है, और पर्स वगैरह वॉलेट वगैरह जो भी हो आपको डालना होता है, एक ट्रे रहता है वहाँ पे, उसके बाद आपको सिक्योरिटी के लिए देना होता है। और वहाँ पे इसलिए वहाँ पे अलाउड नहीं रहता है फ़ोन कैमरा कुछ भी, इसीलिए वहाँ पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। तो सब कुछ मैं करके अब बता रहा हूँ। अब अराउंड 3 बजे का मेरा फ़्लाइट है, 2:30 बजे था बट आधा घंटा डिले हो गया है, इसीलिए अब कुछ किया नहीं जा सकता है। सो फिर देखते हैं, मिलेंगे फ्लाइट में। अभी भी टाइम है, थोड़ा बैठे हैं अभी एयरपोर्ट पे, अभी जब तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं होता है यहीं बैठना होगा, क्या करें, मन नहीं लग रहा, इंटरनेट भी नहीं चल रहा सही से। बैठे बैठे
खतरनाक और ऐसे व्यू देखा रहूँगा। फाइनली आई एम लैंडेड, लैंड हो गया। अब बैग कहाँ पे आएगा मालूम नहीं, बैग आता है यहाँ पे, वो अभी शो करेगा, उसके बाद बैग कलेक्ट करेंगे, उसके बाद बस एयरपोर्ट से चेकआउट करना, फिर देखता हूँ टैक्सी बुक करूँगा। टैक्सी बुक करने के बाद फिर जाना होगा, उसके बाद एक घंटा के आसपास लगेगा घर जाने में। सो मैं बैग कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो फाइनली अभी मिल गया मुझे, कहाँ पे कहाँ है ये रहा, मिल गया। आपको खोजना होता है कहाँ पे आपका सामान आने वाला है, तो मुझे मिल गया है। अभी यहाँ से लगेज कलेक्ट करके जब तक मैं टैक्सी बुक कर ले रहा हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। ओके बाय। आधा घंटा के बाद टैक्सी मिला, अब घर के लिए निकल गया हूँ, जा रहे हैं टैक्सी में। डेढ़ घंटा लगेगा यहाँ से जाने में, तो अब घर के पास है तो कंटिन्यू करते हैं।